रामानंद दीप द्वारा सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों की अच्छी परवरिश से होता है राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज। पवित्र मनन दीप सत्संग सेवा संस्थान कोट कासिम द्वारा भूतेश्वर मंदिर में प्रवचन सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा, जब हम बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं तो वो बच्चे अपने परिवार के साथ साथ समाज का नाम रोशन करते हैं और राष्ट्र का भी नाम रोशन करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों की अच्छी परवरिश करना बेहद आवश्यक है, जिससे समाज से भ्रष्टाचार खत्म होगा, गलत कार्यों पर रोक लगेगी और जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा, संस्कार जागृत होंगे तो हर एक तरफ नैतिकता बढ़ेगी और बुराइयां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा, खुशहाल जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज बहुत सारे बच्चे नशे से, गलत संगत से बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके लिए अच्छी परवरिश करना परम आवश्यक हो गया है। अच्छे संस्कारों के द्वारा ही हम गलत कार्यों को, भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं और समाज और राष्ट्र में अच्छाई का सदाचार का माहौल बना सकते हैं। इस दौरान सत्संग परिवार सहित बड़ी संख्या में नगरजन मौजूद रहे। कोट कासिम से देव प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम श्रेष्ठ बने। हमें बहुत सारे लोग राम सकते जो लोग जब तक करते हैं धर्म सेवा के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। देवता दीप द्वारा सत्संग प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान परवरिश से क्या फायदा होता है, देवता कौन लोग होते हैं, असुर कौन लोग रहते हैं आदि विशेष बातों पर विचार किया। देखिएगा, आज अच्छी परवरिश की बेहद आवश्यकता है। अच्छी परवरिश से बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, गुण जागृत होते हैं और जब एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हम एक बच्चे को श्रेष्ठ और गुणी ज्ञानी बनाते हैं तो वो बच्चे अपने परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। एक बच्चा केवल हमारा बच्चा नहीं होता, वो समाज का, परिवार का, पूरे राष्ट्र का बच्चा है। इसलिए बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे उनका जीवन भी अच्छा हो, समाज में भी अच्छाई जाए और जब बच्चे अच्छे होंगे, अच्छी परवरिश होगी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। भारत माता के गौरव का झंडा हर तरफ लहरेगा और हमारी भारत माता भी हम पर गर्व करेगी। इसलिए आज बेहद आवश्यकता है अच्छी परवरिश की, बच्चों को नैतिकता, अच्छे सद्गुण देने की और उनको अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ाने की। ओम।